राधे राधे मेरे YouTube फैमिली। आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी का पूजा करके और यहीं से ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ। मैं कॉटन का कपड़ा ढेर सारा भी अपने लड्डू गोपाल के लिए सिली हूँ, गर्मी है इसलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सुबह सुबह आज पूजा पाठ मेरा सब हो गया है नहा वाली में, और गला देखिए एकदम खाली, गर्मी से कुछ पहना नहीं जा रहा है, बहुत ही गर्मी लग रहा है। बहुत लोग बोलती हैं लेडीज़ लोग की गला को खाली नहीं रखना चाहिए, पर इतनी गर्मी है ना। अब इधर देखिए मेरा, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ चाय, और चाय पीने के बाद नीचे चलेंगे। तो नीचे फिर आपको आज ब्लॉसम का कुछ क्लिप दिखाऊंगी, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, नीलजे भी मैं जाऊँगी, लोढ़ा पलावा जो है नीलजे स्टेशन, तो उधर भी अंदर अंदर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन अभी बन गया है, मतलब वो जो फाटक था नीलजे का वो सब बंद हो गया है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे ब्लॉसम का कुछ व्यू दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट आता है ब्लॉसम बिल्डिंग के लिए। तो अभी वॉक करते करते मैं सेंट्रल पार्क में भी जाऊँगी, और वहाँ से ब्लॉसम का व्यू आपको अच्छे से दिखाऊँगी, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। एक ही वीडियो में आज बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। और एक मेरी शिकायत है आप सबसे दोस्तों, मेरे जितने भी YouTube फैमिली है सबसे, जो भी मैं ऐसा डेली रूटीन ब्लॉग डालती हूँ वो आप लोग नहीं देखते हो, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो रहता है बस वही आप लोग देखते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, मतलब दो मिनट भी तो देख लो कम से कम, तो उस पर व्यू तो आ जाए कम से कम मेरे वीडियो पे। और देखिए कितना सुंदर व्यू है गार्डन का, गार्डन का मैं बहुत बार वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसलिए पूरा गार्डन नहीं दिखाऊँगी। गार्डन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा अभी तक सेंट्रल पार्क का, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, चैनल पे पहले से वीडियो डाला हुआ है। और ये देखिए सामने से ब्लॉसम कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे कोई भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और मॉर्निंग का व्यू देखिए कितना अच्छा लगता है, चिड़िया का जैसे आर्ट एकदम गूंजते रहती है। तो आप लोग ना खुद मेरे चैनल पे जाके चेक कर लेना, जो डेली रूटीन ब्लॉग मैं डालती हूँ ना अपना जो भी है पर्सनल, वो आप लोग देखते ही नहीं हो, मुझे बहुत ही बुरा फील होता है। और वीडियो देखिए बनाने में, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का बनाइए या जो भी, मतलब वीडियो तो बनाने में सेम ही मेहनत लगती है ना, एडिटिंग वगैरह मतलब करना ही पड़ता है। हाँ ये है कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन का देती हूँ उसके लिए मुझे कहीं दूर दूर भी जाके वीडियो बनाना पड़ता है, और मतलब क्या ही मैं बोलूँ, वीडियो में सेम ही मेहनत है। पर थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा कोई भी ब्लॉग आता है तो उसको देखिए, और सिर्फ अपना इन्फॉर्मेशन के लिए मत देखिए, थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से एकदम मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सब जो व्यू है ब्लॉसम का ही है, तो ब्लॉसम में देखिए कितना कुछ काम हो गया है, आप लोग खुद देख लीजिए, और अभी काम चालू ही है, तो कुछ बिल्डिंग तो एकदम तैयार हो गया है। उसके बाद मैं घर आ गई हूँ, तो घर पे आके फिर देखिए आज मैं मैंगो शेक बना रही हूँ, मैंगो मिल्क शेक, इसलिए वाइट वाइट थोड़ा सा लग रहा है, दूध डालने के बाद थोड़ा सा वाइट वाइट हो जाता है। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और इलायची डालकर और सर्व कर रही हूँ मैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मेरे घर में तो सबको पसंद है, आप लोग में से किस किस को पसंद है, और जो लोग नहीं बनाते होंगे एक बार ज़रूर पीजिएगा बना के। उसके बाद फिर मैं सैंडविच बना रही हूँ नाश्ते में, आज पतिदेव जी को अभी ऑफिस जाना है तो उनको मैं ऐसे ही ब्रेड सेक के तवे पे और फटाफट से दे दूँगी सैंडविच। और यहाँ पर आलू सॉरी लौकी का सब्जी मैं बना रही हूँ, नो आलू, तो यहाँ पर लौकी का मैं मेथी और सूखी मिर्ची वाली सब्जी झटपट से बना ले रही हूँ दोपहर के खाना के लिए, तो साथ में वो भी बन रहा है। यहाँ पे देखिए ब्रेड सिक गया है, तो इसको मैं मेयोनीज लगा के और ऊपर से जो कुछ भी है सारा कुछ डाल के, और अभी मैं ये सिजवान चटनी में घर में ही बना के रखी हुई हूँ, तो ये भी मैं अभी ब्रेड पे अप्लाई करूँगी ऊपर से, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये सिजवान चटनी का रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाला हुआ है, बहुत पहले मैं कुकिंग का जब वीडियो डालती थी ना तो सिजवान चटनी, हरा चटनी, बहुत सारा चटनी का वीडियो मैं डाली हुई। यहाँ पर आलू का मसाला भी मैं डाली हूँ, और यहाँ पर देखिए ब्रेड हो गया है तैयार, तो अभी मैं हस्बैंड को नाश्ता दे देती हूँ और छाछ भी दे दूँगी उनको बना के। आजकल गर्मी है ना तो उनको साइड पे घूमना भी पड़ता है, गर्मी में हालत ख़राब हो रही है उनकी, तो इसलिए थोड़ा सा मैं छाछ उनको आजकल और दही ज़्यादा देती हूँ गर्मी में, तो उनको मैं नाश्ता दे के आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ, बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। और मैं भी अभी सैंडविच ही खाऊँगी आज, सबके लिए नाश्ते में यही रहेगा। तो यहाँ पे छाछ भी बनके तैयार हो गया है, पति देव जी कर रहे हैं नाश्ता, देख लीजिए।
उसके बाद मैं दोपहर का खाना फिर दिखाती हूँ। तो दोपहर के खाने में देखिए, आज लौकी का रायता, लौकी का सब्जी और दाल बॉयल कर ली हूँ। दाल में भी तड़का मारना है। उसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगी। दोपहर हो गया है, मेरे हस्बैंड भी आएंगे खाने। रोटी सेक ले रही हूँ और चावल भी बना लूँगी। तो आज मेरा मूड चावल खाने का बिल्कुल भी नहीं है, तो आज मैं तो सिर्फ रोटी ही खाने वाली हूँ। तो मेरा जो थाली है खाने का, देखिए ये है सब्जी, रायता, चटनी और दाल। दाल एकदम सिंपल तड़का मारी हूँ मैं, नहीं इसमें मतलब टमाटर प्याज कुछ भी नहीं डाली हूँ। और कभी कभी ना गर्मियों में सिंपल दाल अच्छा लगता है, बॉयल करके बस तड़का मार दीजिए ऊपर से जीरा और हींग और लाल मिर्ची का। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर थोड़ा सा ऐड की हूँ, इसलिए थोड़ा सा वाइट वाइट खाना दिख रहा है। उसके बाद शाम हो गया है, तो शाम को हम लोग निकल गए हैं नीलदे के लिए, लोधा पुलावा के लिए। तो नीलदे स्टेशन पे भी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे के रास्ते से जा रहे हैं, पर आप लोग इधर से मत जाइएगा। कभी भी ये रास्ता काट देते हैं बीच में लोग, मतलब काम चलते रहता है ना, तो कभी भी ये रास्ता कहीं से भी कट जाएगा तो फिर फंस जाओगे आप लोग। मतलब इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी किसी को भी कि इधर पीछे के रास्ते से जाइएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब काम चालू है यहाँ पे, तो कभी भी आप फंस जाओगे तो फिर बोलोगे कि आपने बोला था इसलिए मैं गया। तो यहाँ पे भी हम जा रहे हैं एक्सपीरिया मॉल के पीछे से, मतलब ये जो रेलवे का काम चालू है ना उधर से जा रहे हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, बहुत कुछ आपको दिखने वाला है इसमें कुछ नया। यहाँ पे गाय देखिए, गाय दिख रही है। ये जो काम चल रहा है रेलवे ब्रिज का काम चल रहा है, जो एक्सपीरिया मॉल के सामने जो बन रहा है ब्रिज, वहीं पे है ये मॉल के अपोजिट साइड में, रेलवे लाइन के किनारे किनारे। और उसके बाद नीलजे फाटक पे पहुंचेंगे, तो नीलजे फाटक पे वो जो पहले वाला था ना फाटक, वो बंद हो चुका है और न्यू रास्ता वहाँ से खुल गया है, तो भी मैं दिखाऊँगी। देखिए ये जो फाटक था ये पहले था, तो ये बंद हो चुका है। यहाँ से बस आदमी मतलब कोई भी चल के जा सकता है बस, और गाड़ी वगैरह जो भी है सब बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है। इधर से ही देखिए रोड एक बन गया है आगे जाने के लिए, और इधर से जो रोड गया है ना नीलिया स्टेशन के इधर, जो एकदम अभी जो बन गया है न्यू ब्रिज, उसके अंदर अंदर निकल जाता है,
तो बहुत ही आसान हो गया है, अच्छा हो गया है। मतलब वहाँ पे क्या होता था ना, फाटक जो था वहाँ पे उस एक्सीडेंट वगैरह भी होने का बहुत डर रहता था। जो सर्वे है ना, ये नीचे की तरफ से जाता है, नीलिया स्टेशन पे मतलब निकल जाता है, एकदम मिलाइट बिल्डिंग जो है ना वहाँ पे आप निकल के आ जाइएगा। और स्टेशन अगर जाना है, नीलिया ट्रेन पकड़ना है, तो बहुत ही अच्छा हो गया है। मतलब अब फाटक पे जाने का कोई झंझट नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे अंदर अंदर निकल जाता है रोड। तो लास्ट तक देखते रहिए कहाँ पर निकलते हैं और क्या। नया बिल्डिंग बन रहा है एकदम नीलजा स्टेशन जो है ना उसके पास में ही, और एक काफ़ी बड़ा बिल्डिंग बना है और पूरा मार्केट भी है नीचे इसमें। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रेंड के घर पे और यहाँ पे पी रही हूँ चाय। तो कैसा लगा इसका वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में।